डॉक्टर साहब, प्रसव के बाद कितने महीने को गर्भ आएगी? प्रसव के बाद साधारण तौर पर 6 महीनों के बाद गर्भ आएगी। 6 महीनों के बाद, क्यों? जब प्रसव हो जाएगा तब वो माता अपने बच्चे को दूध पिलाना है। दूध पिलाने के लिए दूध का सेक्रेशन, दूध का स्राव होना है। दूध का स्राव होने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन का इम्पॉर्टेंस है, जरूरत है। प्रोलैक्टिन हार्मोन की जरूरत है। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन स्राव होता है तब प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से अंडाशय से अंडा नहीं निकलेगी। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन अधिक प्रतिशत होती है अधिक प्रतिशत होने की वजह से अंडा तैयार नहीं होते। अंडा तैयार होने के लिए प्रोलैक्टिन कम होना है, इसलिए 6 महीनों तक वो प्रोलैक्टिन अधिक तो रहेगा, अंडा नहीं निकलेगा। लेकिन कुछ महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन रहने पर भी, अधिक प्रतिशत रहने पर भी अंडा निकल जाता है। प्रसव के बाद 1-2 महीनों में ही अंडा निकल जाती है, उस समय सेक्स में भाग लेने से गर्भ आ जाएगी। लेकिन अधिक प्रतिशत महिलाओं में 6 महीने लगेगा, लेकिन कुछ महिलाओं में तो 1-2 महीनों में ही आ जाएगा। इसलिए उसको रोकने के लिए, क्योंकि एक बच्चे को एक दूसरे से बीच में थोड़ा सा गैप रहा है, और गैप के लिए जब वे दाम्पत्य जीवन शुरू करते हैं उसके पहले ही डॉक्टर पास जाकर के लूप लगाना अच्छा होता है। लूप लगाने से 2 साल 3 साल 5 साल तक रख सकते हैं। एक बच्चे के भी और बीच दूसरे बच्चे के बीच में थोड़ा सा गैप रहा है, नहीं तो गर्भ आने की संभावना है। ऐसे जो महिलाएं प्रसव के बाद जल्दी सेक्स भाग लेना चाहती हैं, लूप लगाना। लेकिन प्रसव के बाद 6 हफ्तों में ही सेक्स भाग ले सकते हैं। 6 हफ्तों में ही, 6 वीक्स प्रसव के बाद 6 वीक्स में ही सेक्स में भाग ले सकते हैं। और कुछ वीडियो के लिए थोड़े ही समय में 19.5 करोड़ व्यूज हासिल किए और 20 करोड़ व्यूज की ओर दौड़ रही डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित सुख संसार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Multi-Channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.